नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं सीबीएसई से जुड़ी हुई यानी सीबीएसई एग्ज़ाम से जुड़ी हुई बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज ही केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के चलते हुए आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, सीबीएसई एग्ज़ाम यानी कि 10th और 12th के जो एग्ज़ाम इस समय चल रहे हैं, उन आने वाले जितने भी पेपर हैं वो सारे पेपर स्थगित कर दिए गए। मतलब कुल मिला के सारे पेपर कैंसिल कर दिए गए। जो पेपर 19 तारीख से लगा के 31 तारीख के बीच में जितने भी पेपर 10th और 12th के होने वाले थे, वो सारे ही पेपर केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दिए। मतलब अब कहीं पर भी देश में कहीं पर भी सीबीएसई के कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे। कब तक नहीं होंगे? 31 मार्च तक, यानी कि 19 मार्च से 31 मार्च के बीच में जितने भी एग्ज़ाम थे, जितने भी एग्ज़ाम की डेट थी, वो सारी ही डेट कैंसिल कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है, यानी कि आगे बढ़ा दी गई है। अब ये एग्ज़ाम कब होंगे उसकी तारीख 31 के बाद ही उसका डिसाइड किया जाएगा कि नई तारीखें क्या होगी। तो आपको कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, 31 तारीख के बाद आपको अगली डेट बता दी जाएगी कि कब इसके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो जो भी पेपर बच गए हैं 10th क्लास के और 12th क्लास के, वो सारे बच्चे अब थोड़े दिन के लिए निश्चिंत हो सकते हैं, और 31 तारीख के बाद जो नई डेट आएगी उन्हीं डेट पर आपकी परीक्षा ली जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जानकारी गलत है तो आप चेक कर सकते हैं, नेट पर आप चेक भी कर सकते हैं। वैसे तो सारे जो मीडिया है उस पर आपको, सारे टीवी जो जितने भी न्यूज़ चैनल है सभी पर बता दिया गया है, फिर भी अगर आपने नहीं सुना है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।